फ्रेंड्स, बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस स्टोरीज में हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। तो यहां स्टार्टअप वाले क्या कर रहे हैं? बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं।2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ 100s, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। ये भी बेहद अच्छा है कि स्टार्टअप को मेंटर और एनकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने एस्पायर प्रोग्राम की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि आपका ये कदम भारत के युवाओं की बहुत मदद करेगा। लेकिन साथियों, इस पड़ाव पर हमें ये भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए, तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी, ऐसा ही होता था ना, जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था, बराबर है ना। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही, हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर हैं।
तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। तब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्लियर विजन नहीं था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा। सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल के आईफोन 15 पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है। आज हम सबको इस पर गर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है। साथियों, आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं, टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें। सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीज की पीएलआई स्कीम चलाई है। आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है।